हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में आपको न्यू चैप्टर फाइबर्स टू फैब्रिक स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमने बताया था कि जो बूजो और पहेली थे उन्होंने साइंस की क्विज जीती थी और उनको इनाम मिला था, और इनाम में जो आपकी अमाउंट मिली थी उस अमाउंट से उन्होंने क्या किया था, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए कपड़े खरीदने के लिए सोचा है ना। तो उन्होंने देखा, वो कपड़े की दुकान पे गए तो उन्होंने बहुत सारी कपड़े की वैरायटी देखी, और दुकानदार ने उन्हें बताया कि कुछ आपके जो कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, आपके नेचुरल फाइबर से बने होते हैं, और कुछ बने होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर से। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपका क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं सब लोग, वॉट इज नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स इज ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। विच फाइबर्स आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड मेड बाई ह्यूमंस या ह्यूमंस, और इसके क्या एग्जाम्पल भी हैं आपके, जैसे पॉलिस्टर है, नाइलॉन भी है, एक्रिलिक है। तो बेटा आज की क्लास में हम बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपका टॉपिक है सम प्लांट्स फाइबर्स। तो पहला प्लांट है इसमें कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैंप्स? क्या आपने जो अपने कभी आपने लैंप के लिए जो तेल का लैंप होता है उसके लिए क्या आपने कभी बत्तियां बनाई हैं? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? और इन विक्स जो आपकी बत्तियां जो बत्तियां थी उनको बनाने के लिए आपने क्या यूज़ किया था? दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस क्वाइट क्विल्ट्स और प्लोस। देखिए, जो आपके हम कह सकते हैं जो आपकी जो कॉटन है ना बेटा, इनको मैट्रेसेस यानी गद्दे और बेटा क्विल्ट्स होते हैं जो आपके तकिए वगैरह पिलो वगैरह होते हैं उन्हें क्विल्ट्स कहते हैं, है ना, उनको भरने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो बेटा देखते हैं हम लोग आगे इसमें। टेक सम कॉटन बुल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। देखिए आपको क्या लेना है, कुछ रुई लेनी है, उसको खींच कर उसको क्या है खींचना, उसके क्या किनारे जो होते हैं आपके एज होते हैं उसको क्या है ध्यान से देखना है। व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स। देखिए, जो आपने छोटी छोटी हमें क्या आपके स्ट्रैंड्स दिख रहे थे, जो आपके छोटे छोटे आपके धागे दिख रहे थे है ना, जिन्हें आप देख पा रहे हो, जो किससे बने होते हैं आपके कॉटन फाइबर से बने होते हैं, है ना। आप देखा होगा कि हम लोग क्या है देखते हैं कि बहुत सारे जो आपके बहुत सारे धागे से निकले रहते हैं साइड से, है ना, तो बेटा उन्हें क्या कहते हैं कॉटन फाइबर्स कहते हैं। आगे देखिए इसमें, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, यह कॉटन जो बोल है जो कहाँ से आती, कहाँ से हमें प्राप्त मिलती है या प्राप्त होती है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट। देखिए, इसको जो खेतों में उगाया जाता है, कॉटन प्लांट्स जो आपका जनरली कहाँ आपका ग्रो होता है, यूजली कहाँ ग्रो होता है आपका, ऐसी जगह जहाँ पे क्या आपकी ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है, यानी वार्म जहाँ पे क्या है आपका गर्म मौसम होता है और जहाँ पे की मिट्टी कैसी होती है, काली मिट्टी होती है, वहाँ पे आसानी से ग्रो कर पाता है ना। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? क्या अपनी कंट्री में कुछ आपके स्टेट बता सकते हो जहाँ पे कि क्या आपकी कॉटन की उपज होती है ना, जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है। आगे देखिए बेटे इसमें, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। देखिए, जो आपका कॉटन प्लांट का जो फ्रूट है, कॉटन बॉल्स आर अबाउट साइज ऑफ अ लेमन। देखिए, जो आपका कॉटन की जो प्लांट होता है जिसमें कॉटन बॉल्स होती हैं, उसका साइज कैसा होता है, लगभग एक नींबू के बराबर होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स वर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। देखिए कि जो क्या होता है, जब आपका जो प्लांट जो बॉल होती है ना, प्लांट पे जो कॉटन बॉल्स होती हैं वो क्या मैच्योर हो जाती हैं, तो बेटा उनसे क्या जब वो जो आपका वो क्या फट जाता है, ओपन होके क्या होता है, हमें वाइट वाइट सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है,
जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, है ना, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो बेटा, जो सीड होता है ना, जो आपको वाइट जो रेशे से दिखाई दे रहा है, उसके अंदर क्या कवर्ड होता है ना। आगे देखिए इसको, जो कि क्या कॉटन फाइबर से कवर्ड रहता है। हैव यू सीन एवर, हैव यू सीन एवर सीन एवर सीन अ कॉटन फील्ड डैट इज रियली फॉर पिकिंग। देखिए क्या आपने इन कह सकते हैं कि आपने इन बॉल्स को, जो बॉल्स होती हैं ना बेटा जो कॉटन के खेत में, इनको पिक करते हुए देखा है। आपने देखा होगा जब आपकी फसल है वो क्या मैच्योर होती है, तो क्या इसको हाथ से पिक किया जाता है ना। इस आगे देखिए इसमें, इट इज़ लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। जो खेत होता है बेटा, वो खेत आप जो फिगर है उसमें देख पा रहे हो कि हमें जो खेत है ऐसा लग रहा है कि जो क्या स्नो, जो स्नो होती है उसे ढका हुआ है ना। आगे देखिए, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड। और क्या होता है इसमें, जो आपकी जो बॉल्स होती हैं कॉटन, जो आपका बॉल्स होती ना बेटा, उनको क्या आपका जो उनको क्या हाथ से पिक्ड किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड वाई कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। देखिए जो आपका फाइबर और सीड होते हैं बेटा, उनको एक प्रोसेस के द्वारा क्या अलग सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, गिनिंग। जो आपके सीड्स को और जो आपका जो कॉटन होती है उनको अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ द कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनल डन बाई हैंड इन फिगर 3.7। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। देखिए जो पुराने टाइम पर हम क्या है, हम पारंपरिक तौर पर हम कह सकते हैं जो आपकी गिनिंग होती है वो क्या हाथ से की जाती थी, हाथ से की जाती है। लेकिन जो आजकल क्या है, बहुत सारी मशीन है जिसका यूज़ गिनिंग करने के लिए किया जाता है ना। आगे देखिए, जूट, जूट भी क्या होता है आपका प्लांट फाइबर होता है। जूट से आपने देखा बहुत सारे जो आपके हैंड्स बैग होते हैं, जो आपके बोरे होते हैं, जो जिसमें क्या आपके वीट्स वगैरह जो भरे जाते हैं, वो किससे बनते हैं बेटा, जूट से बनते हैं ना। जूट फाइबर इज़ ऑप्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। देखिए आपको पूछ लेगा कि जो जूट प्लांट हो, जूट प्लांट से हमें जो आपका स्टेम, सॉरी, जूट प्लांट से हमें कहाँ से मिलता है। देखिए अगला टॉपिक है आपका जूट, अगला प्लांट है जूट। बेटा जूट है, जूट से क्या बहुत सारे हैंड्स पैक, जो आपके बहुत सारे थैले वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो बोरे वगैरह होते हैं, वो किससे बनाए, जूट के बनाए जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इसमें, जूट फाइबर इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। देखिए जो जूट फाइबर्स है बेटा, जूट के क्या है, जूट प्लांट का जो स्टेम होता है उससे मिलता है ना। जैसे कि आपको फिगर दिख रहा है 3.8, है ना, 3.8 फिगर दिख रहा है। देखिए ये आपका जूट प्लांट है ना, ये क्या आपका जूट प्लांट है। इसके स्टेम से क्या मिलता है बेटा, जूट मिलता है। आगे देखिए, इट इज़ कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको रेनी सीजन के द्वारा उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है इन इंडिया। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम। देखिए जो आपका जूट है बेटा, इंडिया में मेनली कहाँ ग्रो किया जाता है, वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जाता है, बिहार में और असम में ग्रो किया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। देखिए जो जूट प्लांट को हम लोग जूट के लिए कब हार्वेस्ट करते हैं, जब आपका जूट जो होता है, जूट के प्लांट पर क्या फ्लावरिंग आती है, यानी फ्लावरिंग होती है, उसको क्या फ्लावर्स आते हैं, तब इसको क्या हार्वेस्ट किया जाता है ना। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट इज इमर्स्ड इन द वॉटर फॉर अ फ्यू डेज। और बेटा जो आपका स्टेम होता है, हार्वेस्टेड स्टेम होता है ना बेटा, उसको इमर्स करते हैं, यानी क्या है, हम पानी में डुबा के रखते हैं 3 से कुछ दिनों के लिए, है ना, कुछ दिनों के लिए क्या पानी में डुबा के रखते हैं। द स्टेम रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटली बाई हैंड। और जो स्टेम होता है वो क्या बेटा, सड़ जाता है, और जिससे क्या होता है, जो फाइबर होता है ना, वो हैंड के द्वारा सेपरेट कर लिए जाते हैं। आगे देखते हैं बेटा इसमें, टू मेक फाइबर
The all fibers are first converted into yarns. How is done? देखिए जो आपके सभी फाइबर्स होते हैं ना, पहले उनको क्या कन्वर्ट किया था यार्न में. आपको पता था, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था यार्न कैसे बनाया, धागा कैसे बनाया जाता है. मैंने आपको एक्टिविटी भी करके दिखाई थी कि उसमें क्या लेना था. आपको एक धागा लेना था. धागे का जैसे आप कपड़े सिलने वाला धागा होता है ना, उसको लेंगे तो उसको क्या एक साइड से ऐसे करके करेंगे तो आपने देखा होगा एक साइड होती है बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स में बट जाती है ना. तो बेटा उन्हीं को मिलाकर क्या बनता है, यार्न बनता है ना. बहुत सारे फाइबर्स मिला के क्या बनता है, यार्न बनता है. उससे क्या बनता है, यार्न बनता है. बहुत सारे यार्न्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपके फैब्रिक यानी कपड़े बनाते हैं, है ना. तो बेटा जो आपका फाइबर से यार्न कैसे बनता है ना, तो उसको हम देखते हैं आगे. स्पिनिंग कॉटन यार्न, देखिए स्पिनिंग कॉटन यार्न, सूती वस्त्रों की कटाई कैसे करते हैं हम लोग, देखिए इसमें. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ. क्या आपने स्वयं आपने क्या जो आपकी कॉटन होती है, कॉटन का जो यार्न है उसको बनाने की कोशिश की है. तो आगे देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 4. होल्ड सम कॉटन बोल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन थम एंड फोर फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड. देखिए आपको कुछ हाथ में क्या रुई पकड़नी है और दूसरे हाथ के क्या आपको हम कह सकते हैं कि जो अंगूठे तथा ये वाली उंगली होती ना, ये वाली, इसे हम कहते हैं फोर फिंगर. क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं फोर फिंगर. इसको क्या करना है, आपको ऐसे करना है, ऐसे करके करना है ना. तो नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स. देखिए उसके बाद क्या करना है, आपको धीरे धीरे रुई को आप खींचिए और ऐसे करके लगातार इसको क्या है, हमें ऐंठना है, ऐसे करके उसको ट्विस्ट करना है ना. जब हम ट्विस्ट करते हैं, कंटिन्यूस ट्विस्ट करते हैं, तो बेटा फाइबर्स जो होते हैं आपके वो क्या ट्विस्ट होने लगते हैं, है ना. अब देखते हैं आगे, देखते हैं आर यू एबल टू मेक अ यार्न. क्या आप एक यार्न बनाने में एबल हो पाते हो, क्या आप यार्न बना सके, है ना. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. देखिए या आपका हम कह सकते हैं जो आपकी एक प्रोसेस यार्न बनाने की, एक प्रोसेस फाइबर से यार्न बनाने की, जो आपके फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे रेशे होते हैं उनसे यार्न बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पिनिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, स्पिनिंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, है ना. आगे देखिए इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन बोल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो फाइबर होता है ना बेटा, कॉटन का जो आपका कॉटन है ना, उसका जो फाइबर होता है उसको क्या किया जाता है, आपका जो कि कॉटन बोल से निकाला जाता है उसको क्या करके ट्विस्ट किया जाता है ना, ऐसे करके क्या ऐठा जाता है. दिस ब्रिंग द फाइबर टूगेदर टू फॉर्म अ यार्न, जिससे क्या होता है बहुत सारे जो आपके फाइबर्स होते हैं साथ साथ हाथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक यार्न बनाते हैं. इट इज अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पैंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली. देखिए इसके लिए एक डिवाइस का हैंड डिवाइस होती है, इसका यूज किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, टकली कहते हैं. आगे देखिए अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा. देखिए एक और डिवाइस होती है, हैंड डिवाइस होती है, जिसका क्या यूज किया जाता है स्पिनिंग करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, चरखा कहते हैं. यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज बाई महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. देखिए जो हम कह सकते हैं, जो महात्मा गांधी ने जो आपके चरखा है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किए, जो पॉपुलराइज सबसे ज़्यादा किसने किया, महात्मा गांधी ने. और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली थी, जो आपकी स्वतंत्रता की गतिविधियाँ चली थी उसके उस दौरान, है ना, उस दौरान उन्होंने क्या बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ ये आपका चरखा है ना. आगे देखिए ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ मेड ऑफ होम स्पून यार्न टर्म्ड एज खादी एंड सुन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन. देखिए जो उन्होंने क्या लोगों को प्रोत्साहित किया, जो अपने अपने हाथ के द्वारा, जो आपकी हाथ के द्वारा बनाए हुए कपड़ा जैसे हम क्या खादी की तरह जानते हैं,
और जो आपके इम्पोर्टेड क्लॉथ थे, यानी कि जो आपके बाहर से जो क्लॉथ आते थे उनका क्या उन्होंने बहिष्कार किया, जो कि आपकी कॉटन मिल्स में मिलते थे। आगे देखिए इसमें, टू पॉपुलराइज द प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अ बॉडी कॉल्ड खादी, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो आपका खादी है उसको पॉपुलर करने के लिए और प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक कॉन्स्टिट्यूट का निर्माण किया, जिसे हम कहते हैं आपका खादी, और जो आपका गांव या फिर हम कह सकते हैं इसको जो आपका गांव और जो खादी को प्रमोट करने के लिए क्या है एक कमीशन बना, इंडस्ट्री बनी है ना, जो जो कि क्या आपकी खादी को बनाती थी है ना। तो उस वो कमीशन कब बना आपका, 1956 में बना वो कमीशन है ना। आगे देखते हैं बेटा इसमें, स्पिनिंग ऑफ ऑन लार्ज स्केल डन, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स। देखिए आज जो आपकी बड़े पैमाने पर क्या है आपकी जो स्पिनिंग होती है बेटा वो क्या है स्पिनिंग मशीन होती है उनके द्वारा होती है ना। स्पिनिंग के बाद क्या है आपके धागे बनाए जाते हैं, और धागे से क्या बनाए जाते हैं आपके धागों के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है आपके फैब्रिक्स यानी कपड़े बनाए जाते हैं, बहुत सारे धागे मिलकर क्या बनाते हैं आपके फैब्रिक्स बनाते हैं। आज की क्लास में इतना ही बेटा, अगर आपको जो वीडियो है आपको अच्छा लगे और समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।